और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं बस्सी, जहां पर नितिन गडकरी सभा को संबोधित करते हुए। अच्छे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और कम्युनिकेशन टेलीफोन की व्यवस्था चाहिए। अब दिल्ली से उद्योगपति आने वाले आपके गांव रोड के बाजू में इंडस्ट्री डालने वाले हैं, क्यों? क्योंकि यहां से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां इंडस्ट्री डालने वाले हैं। आपको मालूम होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ केनेडी, मैंने अपने दिल्ली के ऑफिस में जॉन एफ केनेडी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख के रखा है। केनेडी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। रास्ते से प्रॉस्पेरिटी आती है, रास्ते से विकास होता है, रास्ते से उद्योग व्यापार बढ़ता है, रास्ते से गांव के फल फूल सब्जियां शहरों में जाती है, रास्ते से समय बचने से फ्यूल बचता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। मुझे याद है मैं जब युवा था तो महाराष्ट्र में मंत्री था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। आप मुंबई जाते होंगे, मुंबई में नहीं तो अभी हाईवे बनाया मैंने, आप यहां से 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे। तो मैं मुंबई में था, मंत्री था, मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट करके बनाया, कभी आप जाकर ये बहुत सुंदर बना, और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया दिल्ली और मुझे कहा, नितिन तुमने मुंबई में बहुत काम किया, अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तैयार करो, तुम्हारे अध्यक्षता में एक मैं समिति तैयार करता हूं, वो योजना बनाओ। बहनों और भाइयों, 3 महीने मैंने काम किया, नाबार्ड के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, सब मेरे कमेटी में थे और रिपोर्ट बनाकर मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी और 15 दिन के बाद लाल किले पर उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से बनाने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने किया था तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। आज बहनों और भाइयों, हम ऐसे रोड बना रहे हैं कि देश की तस्वीर बदल रही है। मुझे मालूम है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो आप आंखों से देखते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 12 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में। दिल्ली से हमारा मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ 8 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में हुआ है। और दिल्ली से जयपुर 6.5 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में होता है। और आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली से जयपुर 0.5 घंटा कम होके 2.25 घंटे में हो जाएगा, नया रोड बन रहा। हमारी बहन जी मेरे पास आई थी, जितनी बातें उन्होंने बताई सब हमने करके दी। ऐसा रोड बनाया है कि पता ही नहीं चलेगा। कांग्रेस के राज में एक बार मैं राजस्थान आया था,
रोड पर जा रहा था तो एक लड़का अपने नया नया लड़का था, युवा था, अपने पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ी से जा रहा था। उसने मेरे गाड़ी को क्रॉस किया तो मेरे बाजू वाले बैठे हुए लोगों ने कहा, देखो आप बहुत लोकप्रिय हैं, आपको देखकर, आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा और आपको क्रॉस किया उसने। अरे भाई बोला, वो मुझे नहीं देख रहा, वो अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये राजस्थान के